छत्तीसगढ़ में आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छात्रावास अधीक्षक के 2200 पोस्ट जो है निकल कर आ चुका है। जी हां, छत्तीसगढ़ में जो है होने वाली सबसे बड़ी बिगेस्ट भर्ती जो है बम्पर भर्ती है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो छत्तीसगढ़ में जो है जो भी स्टूडेंट हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बिगेस्ट भर्ती वैकेंसीज निकल कर आ चुका है। और यह 2023 की, जी हाँ 2023 की जो है सबसे बड़ी भर्ती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होने वाला है और व्यापम के द्वारा छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा होने वाला है। और सैलरी की बात करें तो शुरुआती वेतन सैलरी आपको जो है 22,000 रुपये मिलेगा, प्लस 24,000 रुपये अलग से ग्रेड पे मिलता है, यानी कि कुल टोटल आपको जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में सैलरी की बात करें तो 24,400 रुपया जो है आपको हर एक महीने जो है सैलरी दिया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है, बिगेस्ट अमाउंट है, जिससे आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, कड़ी मेहनत करना होगा। ये नहीं मेहनत कर रहे तो बस आज आधा घंटे पढ़ लिए, कल एक घंटे पढ़ लिए, ऐसा नहीं। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। अगर आप रेगुलर मेहनत करते हैं आपके, तो आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा और एक दिन आप जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को अवश्य रूप से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो रेगुलर रहेंगे, रेगुलर मेहनत करेंगे तो आप लोगों को इसका एक बेहतर, एक अच्छा रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा और आपके ड्रीम्स भी पूरे हो पाएंगे। तो एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के, तो छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के 2200 पोस्ट जो है निकल कर आया है। तो इसकी तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए सबसे पहले तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए, आपका 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए, चाहे आपने CGBSE से किया हो, चाहे CBSE से किया हो, दोनों से किया हो कोई बात नहीं, चाहे आपने ओपन से किया हो। वहीं आप से काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट ये भी आता है कंप्यूटर्स को लेकर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का बहुत सारा डाउट्स भी है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन नहीं है, नहीं हमने एक वर्ष का कुछ भी कंप्यूटर्स कोर्स किया है सर्टिफिकेट, तो हम एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप SC ST OBC वाले हैं तो आपको एक वर्ष का छूट जो है दिया जाता है, लेकिन आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं आपको जो है कंप्यूटर में किसी भी तरह से रिलैक्सेशन नहीं मिलता। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से भी आप जो है कंप्यूटर कोर्स करते हैं, एक साल का 1 ईयर्स का जो है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, वहाँ से कंप्यूटर्स का कोर्स कीजिए जहाँ से प्राथमिकता मिलता हो, इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उसके सर्टिफिकेट को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गवर्नमेंट अप्रूवल है। ये नहीं कि कहीं से भी आपने किया और वो छत्तीसगढ़ सरकार उसे मान्यता नहीं दे रही है। तो जहाँ से भी कीजिए, आपका पैसा, साल, समय, आपकी नॉलेज, जो जानकारी आप सीखना चाहते हैं वो भी नहीं सीख पाएंगे, तो सर्टिफाइड जगह से कीजिए। तो ये तो हो गया क्वालिफिकेशन। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 21 वर्ष जो है छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए होना ही चाहिए, वही मैक्सिमम 40 वर्ष। वही आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी होगा कि सर अगर क्वालिफिकेशन 12वीं पास है तो उस हिसाब से 18 साल एज होना चाहिए, तो 21 वर्ष कैसे? लेकिन छात्रावास अधीक्षक में 21 वर्ष ही आपका जो है मिनिमम एज लिमिट है। और कैटेगरी वाइज अगर हम एज लिमिट में, आयु सीमा में छूट की बात करें, तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 5 वर्ष का छूट आपको मिलेगा, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट आपको 3 वर्ष का छूट देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूँ और कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ना है, कौन से राइटर्स के बुक आपको फॉलो करना है। देखिए मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट राइटर्स के बुक मिल जाएंगे, अनेकों बुक, अनेकों पुस्तकें आपको जो है मिल जाते हैं। और अगर आप किसी भी बुक को उठाकर पढ़ेंगे तो उससे कुछ नहीं हासिल होगा, आपका एक नंबर भी उस बुक से, उस पुस्तक से एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। तो जो भी बुक्स मैं आपको बताऊँगा उन्हीं में से आपके एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से बुक्स हैं, कितने प्राइस में मिलेगा, किस तरीके से स्टडी करना है, किस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है। देखिए मेहनत तो सभी करते हैं, अगर आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हम ज़्यादा घंटे, ज़्यादा वर्ष अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप सोच के देखिए, अगर ज़्यादा घंटे पढ़ाई करने से होता तो हर एक स्टूडेंट जो है 10-10, 15-15 घंटे पढ़ाई करता है, वो कुछ नहीं करता, सिर्फ दिन रात पढ़ते रहता। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं वो, और लेकिन जो स्टूडेंट जिनके मेमोरी में तुरंत कैप्चर हो जा रहा है, हर एक चीज़ उनको समझ में आ रहा है, और वो अगर 2 घंटे भी पढ़ाई करेगा फिर भी बहुत है। तो इसलिए ऐसे पढ़ाई कीजिए जो आपके
नॉलेज आए और आपके दिमाग में पूरा कैप्चर हो जाए और आपके मेमोरी कैपेसिटी बढ़े। और ये नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं और आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस के बारे में, ताकि आपको छात्रवत्स अधीक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल पाए। तो छत्तीसगढ़ में जो है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें छात्रवत्स अधीक्षक के, तो 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कुल 150 अंकों के होंगे। और इसी के साथ आपके एग्ज़ाम्स में 1/4 जो है माइनस मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका जो है 5 नंबर कट जाएगा, यानी 4 प्रश्न अगर गलत किया तो सीधा 5 नंबर कट हो जाएगा। कंप्यूटर्स की बात करें तो इससे आपके एग्जाम्स में 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही हिंदी से 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न और समसामयिक घटनाक्रम से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न आएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न, और इसके अलावा मैथ्स से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर। जी हाँ, हॉस्टल वार्डन बनने के लिए आपका जो है कंप्यूटर्स के नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी इस 21वीं सदी में, 21वीं सेंचुरी में, अगर जिसको भी अगर कंप्यूटर्स के अगर नॉलेज नहीं हो, मतलब कि उसका दिमाग जो है बिल्कुल ही ज़ीरो है, वो ज़ीरो के समान है। क्योंकि अभी के डेट में अगर आपको कंप्यूटर्स के अगर नॉलेज नहीं है, शट डाउन कैसे किया जाता है, और IMS, वर्ड MS, एक्सेल MS, वर्ड पेंट MS, एक्सेस में वर्क किस तरीके से किया जाता है, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपको कंप्यूटर्स की कुछ भी नॉलेज नहीं है तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही ज़ीरो हो। तो इसमें व्यापम साफ तौर पर कहता है कि अगर आपको वार्डन बनना है, छात्रों से अधीक्षक बनना है, तो कंप्यूटर्स में से 50 में से 25 नंबर आपको लाना है, फिर आप जो है वार्डन बन जाइए। और ये भी चीज़ें आप नहीं ला पाएंगे, आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो जिनमें ओवर कॉन्फिडेंस होगा। 50 में से 25 नंबर लाना कोई भारी काम थोड़ी ना है, लेकिन ये भी सोचिए ना कि 1/4 आपका जो है निगेटिव मार्किंग है। अगर 24 नंबर भी आ रहा है, अगर एक नंबर भी कम हो रहा है 25 में, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वही आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट को तो बस यही लगता होगा कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब की नॉलेज अगर हमें अच्छे से है तो कंप्यूटर्स क्या है। अगर उसमें अच्छे से नंबर नहीं आएगा तो आपके मैथ्स, रीजनिंग कुछ मतलब का नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट है। तो 50 में से 25 नंबर आपको लाना है। तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ITI कोपा किया है, और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने DCA किया है, PGDCA किया, BCA किया कंप्यूटर साइंस, उनसे कहीं ज़्यादा नॉलेज है मेरे पास, और मेरे पास कंप्लीट पूरा कंप्यूटर्स का नॉलेज है। और वो नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। इसके साथ आप जो है परीक्षा मंथन के बुक ले सकते हैं। तो इन सभी से अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो यकीन मान के चलिए आपका 50 में से 25 नंबर क्या, आपका जो है 40 से 45 नंबर जो है अवश्य रूप से आ पाएगा। जी हाँ, आपका 40 से 50 नंबर आ जाएगा। तो बस अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो। हॉस्टल वार्डन बनना है तो तैयारी करना शुरू कर दो, नोटिफिकेशन के इंतज़ार बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि अगर आप खुली आंखों से सपने देखते हैं तो आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। यदि आप रात को सोते हुए सपने देखते हैं तो उस सपने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे, बस मेहनत करते जाओ।